अपनी टॉम बॉय वाली इमेज से, अपनी खूबसूरत एक्टिंग से, अपनी खूबसूरत अदाओं से सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली आज उस अभिनेत्री की चर्चा हम आपके सामने करेंगे जिसने राजेश खन्ना से लेकर धर्मेंद्र तक के साथ स्क्रीन पर काम किया है। हम आपसे बात करेंगे उस एक अदाकारा के बारे में जो फ्लॉप एक्टर्स के साथ भी अगर काम करें तो भी पिक्चर हर जगह छा जाती थी। हम आपसे बात करेंगे आशा पारेख के बारे में। आज आशा पारेख जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज अगर उनकी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो वो गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी निजी जिंदगी को काफी ज्यादा प्राइवेट रखना चाहती हैं। लेकिन एक वक्त वो था जब आशा पारेख अपने चुलबुले अंदाज को लेकर काफी ज्यादा चर्चे बटोरती थी। 78 साल की हो गई हैं आशा पारेख और आज उनकी जिंदगी कैसी है, हम इसी बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आशा पारेख की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और इस तस्वीरों में उन्हें देखकर लोगों ने चिंता जताई है। इन तस्वीरों में 78 साल की आशा पारेख को देखकर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आपको आखिर क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा कमजोर भला कैसे लग रही हैं। आशा पारेख की वो तस्वीरें जिसने उनके फैंस की चिंता को बढ़ा दिया है, उन तस्वीरों से लेकर बुढ़ापे में अपनी जिंदगी को आशा जी किस तरह से बिता रही हैं, इस पर प्रकाश डालते हुए आशा पारेख के अधूरे प्यार की कहानी भी है जो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। आशा पारेख जी ने ताउम्र सिर्फ एक इंसान से प्यार किया और उन्हीं के चलते उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी कुंवारी हैं। कोई हमसफर नहीं है उनके पास, क्योंकि जिससे उन्होंने प्यार किया वो नहीं मिला तो उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी और को एंट्री ही नहीं दी। आशा पारेख के बुढ़ापे से लेकर उनके प्यार की कहानी तक के सफर पर हम आपको लेकर चलेंगे, तो इंतजार किस बात का देखिए जरा। 60 के दशक में जुबली गर्ल के नाम से मशहूर आशा पारेख अपने दौर की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हैं। अपने डांस की बदौलत, अपने एक्टिंग टैलेंट की बदौलत बॉलीवुड में खास जगह बनाने वाली आशा पारेख ने अपनी खूबसूरती से भी हर किसी को दीवाना बनाया है। 60 के दशक में आशा पारेख की दीवानगी सिने प्रेमियों के सिर चढ़कर बोला करती थी। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ आशा पारेख की खूबसूरती भी ढलती चली गई और आज आशा पारेख अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। आपको बता दें 78 साल की आशा पारेख का अंदाज अब पूरी तरह से बदल चुका है। तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं, आशा पारेख पूरी तरह से अब बूढ़ी हो चुकी हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ उनके बाल भी सफेद हुए और उनका चेहरा भी बिल्कुल बदल चुका है। आपको बता दें आशा पारेख की खूबसूरती पर तो चाहने वाले आज भी फिदा हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई फैन पेज हैं जिस पर अक्सर उनके पुराने दौर की और आज के वक्त की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। बीते दिन उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें उनका बुढ़ापा और उनकी सादगी दोनों ही देखने को मिली। आशा पारेख अपनी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना चाहती हैं। कुछ समय पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड हेलेन और वहीदा रहमान के साथ अंडमान में समय बिताती हुई वो नजर आई थी, जिसमें उनका खूबसूरत अंदाज देखने को मिला। हालांकि इस तस्वीर के वायरल हो जाने के बाद आशा पारेख काफी ज्यादा खफा भी हुई थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती हैं। आपको बता दें आशा पारेख फिल्मों से दूर एक डांस अकेडमी चलाती हैं जिसका नाम कारा भवन है। कभी कभी टीवी के रियलिटी शोज में स्पेशल सीक्वेंस के दौरान वो नजर आती हैं। आपको बता दें 70 के दशक में आशा पारेख की जो छवि है वो टॉम बॉय की तरह थी, हमेशा चुलबुली, शरारती, नटखट। यही वजह रही कि अपने दौर की सबसे मशहूर अभिनेत्री वो बनी। उस दौर में लोग उनकी एक्टिंग और उनकी खूबसूरती दोनों के ही हजारों लोग कायल थे।
आशा पारेख के टैलेंट और लोगों के बीच उनकी दीवानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके जलवे उस दौर में कुछ इस कदर थे, फ्लॉप एक्टर्स भी उनके साथ टॉप करके टॉप हो जाते। शमी कपूर, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ उस दौर में आशा पारेख ने काम किया है। उनकी खूबसूरती के पीछे तो दुनिया कायल थी, लेकिन आशा पारेख जिनके प्यार में पागल थी वो रहे नासिर हुसैन। चलिए अब जरा आशा पारेख की निजी जिंदगी पर रोशनी डालें। आशा पारेख और नासिर हुसैन की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ है। नासिर हुसैन ने आशा पारेख को उस वक्त ब्रेक दिया जब दूसरे डायरेक्टर्स उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर देते थे कि वो हीरोइन मटेरियल नहीं है। फिल्म दिल दे के देखो, इस फिल्म में आशा पारेख और डायरेक्टर नासिर हुसैन की जोड़ी बनी। नासिर हुसैन ने इसके बाद अपनी 6 फिल्मों में आशा पारेख को हीरोइन बनाया और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जहां एक तरफ ये सभी फिल्में हिट रहीं, वहीं नासिर और आशा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। लंबे समय तक एक साथ काम करते करते आशा पारेख नासिर हुसैन के प्यार में पूरी तरह से पड़ चुकी थी, लेकिन ये प्यार मुकम्मल हो पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि नासिर पहले से शादीशुदा थे। नासिर शादीशुदा थे, बावजूद इसके आशा उनमें अपना हमसफर ढूंढ रही थी। नासिर हुसैन की बीती जिंदगी से वो कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी, उन्हें सिर्फ नासिर हुसैन के साथ अपनी जिंदगी बितानी थी। एक इंटरव्यू है आशा पारेख का जिसमें वो अपने दिल की बात कहती हैं। आशा ने कहा, मैंने जिंदगी में बस एक ही इंसान को चाहा, मैं उसका घर तोड़ना नहीं चाहती थी। यही वजह रही कि वो मुझसे शादी करें, मैं खुद को किसी और के साथ शादी के रिश्ते में नहीं बांधना चाहती थी और इसी के चलते मैं आज तक कुंवारी हूँ। आशा पारेख ने जिंदगी भर जिसे प्यार किया, ताउम्र बस उन्हीं के प्यार में पड़ी रही, लेकिन नासिर के साथ उनका रिश्ता आगे बढ़ पाना मुश्किल था, इसी के चलते वो प्यार अधूरा रहा और आज उम्र के इस पड़ाव पर आशा पारेख अकेली हैं। आपको बता दें, आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में उनकी लव लाइफ को लेकर खुद से बात की गई है। इसी में आशा पारेख कहती हैं, उनके समय में काम कर रहे कलाकारों के साथ धोखा होता था और वो अपनी पत्नियों को भुला दिया करते थे। ऐसी परिस्थितियों को मैं अपने साथ होता नहीं देखना चाहती थी। आशा पारेख ने बॉलीवुड की करीब 80 फिल्मों में काम किया। अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से वो एक रहीं। आज की तारीख में फिल्मों से पूरी तरह दूर हैं, लेकिन फैंस के दिल के बेहद करीब हैं आशा पारेख। बूढ़ी जरूर हो गई हैं आशा पारेख, लेकिन उनकी आंखों में चमक देखिए। इंडियन आइडल के सेट पर जब वो पहुंची, जब वो डांसिंग शो के सेट पर पहुंचती हैं, जिस अंदाज में नाचती हैं, अपने जलवे बिखेरती हैं, वाकई फैंस के दिलों को छू जाती हैं। आज के लिए शाइनिंग स्टार स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप भी आशा जी तक कोई खास संदेश पहुंचाना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। अपने किसी पसंदीदा सितारे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस सितारे का नाम हमें बताइए, ताकि उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेटेड।